भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा निर्जन द्वीप कोचातीवू इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कोचातीवू को बिना महत्व के एक छोटे द्वीप के रूप में देखते थे। कोचातीवू द्वीप आजकल चर्चा में है। बीजेपी लगातार इस द्वीप का मुद्दा उठा रही है। ये पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का द्वीप है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कोचातीवू भारतीय तट से 33 किलोमीटर और उत्तरी श्रीलंका में जफाना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर से कुछ अधिक है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत श्रीलंका इस समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कोचातीवू श्रीलंका का हिस्सा बन गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका में 6,184 भारतीय मछुआरों और 1,175 जहाजों को हिरासत में लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने कोचातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया और मछली पकड़ने का अधिकार छोड़ दिया। इस द्वीप का उपयोग पारंपरिक रूप से दोनों देशों के मछुआरों द्वारा किया जाता था, लेकिन समझौते के बाद से इस क्षेत्र में जाने वाले भारतीय मछुआरों को अक्सर श्रीलंकाई अधिकारियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकतर मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 1974 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने श्रीलंका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके नज़रिए पर विचार न करने के लिए कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है और कांग्रेस और डीएमके को आड़े हाथों लिया है। 50 साल बाद भी द्वीप विवाद तमिलनाडु की राजनीति में तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के मछुआरों पर हमले तमिल लोगों के मन में गहरी भावना पैदा करते हैं। तमिलनाडु में 13 जिले हैं, इनमें अधिकांश मछुआरा समुदाय के लोग हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और डीएमके ने उन मछुआरों को विफल कर दिया जिन्हें कोचातीवू के आसपास के पानी में मछली पकड़ने के लिए हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा 2024 के आम चुनाव से पहले तमिलनाडु में ज़्यादा सीटें जीतने के लिए इस द्वीप के बारे में बात कर रही है, जहां उसके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। कांग्रेस नेताओं का ये भी तर्क है कि सीमा परिक्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए बांग्लादेश के प्रति मोदी सरकार के मैत्रीपूर्ण इशारों के समान कोचातीवू को एक मैत्रीपूर्ण समझौते के हिस्से के रूप में श्रीलंका को दिया गया था। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कोचातीवू को लेकर राजनीति गर्मा गई है। देखना होगा कि इस चुनाव में इससे किसे लाभ होगा। आज 50 साल पुराना मुद्दा तमिलनाडु के लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे।